हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल मतलब ये कि ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं यूनिट सेल की, जैसे उसका वॉल्यूम, कि उसका वॉल्यूम कितना होता है। एटम्स पर यूनिट सेल मतलब कि एक यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स आते हैं। तीसरा, कोऑर्डिनेशन नंबर, एक एटम के आजू बाजू कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं जो उसके बहुत पास हैं। चौथा, एटॉमिक रेडियस, और पाँचवा, पैकिंग फ्रैक्शन। तो ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं, इन सारी चीज़ों को आप कहते हो एक यूनिट सेल के करैक्टरिस्टिक्स। आसान भाषा में आप ये समझ लीजिए कि ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है एक यूनिट सेल के बारे में, मान लीजिए कोई एक यूनिट सेल है और आपको पता है ये सारी चीज़ें उसकी, तो आप समझ सकते हो कि वो कितनी पैक्ड है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है एक यूनिट सेल के बारे में, तब आप उस यूनिट सेल की सारी इन्फॉर्मेशन बता सकते हो कि भाई ये टाइटली पैक्ड है, इसमें इतना एम्प्टी स्पेस है, इतना फील्ड स्पेस है। और आप क्या बता सकते हो, आप ये भी बता सकते हो कि इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने आ रहे हैं, कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें। क्लियर है, समझ में आया? सो भाई, इस वीडियो में तो हमें एक एक करके सारी चीज़ों को समझना है। बेसिकली ये पूरा पोर्शन आप क्लास ट्वेल्थ में कर चुके हो, क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री में आप कर चुके हो, बट एक बार रिकैप कर लेते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल की। क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर हम तीन चीज़ों की बात करेंगे, सिंपल क्यूबिक लैटिस, थर्ड फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, और फोर्थ थर्ड आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, मतलब कि SC, FCC, BCC। ठीक है, तो भाई शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि वॉल्यूम, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कैसे निकालें। बहुत सिंपल है यार, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कैसे निकालें। तो भाई आप, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्यूबिक यूनिट सेल की। अब क्यूबिक यूनिट सेल कैसी होती है, एक क्यूब की तरह ऐसे करके, ऐसे ही तो होती है, एक क्यूब की तरह ऐसे करके। ठीक, एक सेकंड, ऐसे करके। क्लियर? तो ये आपकी क्या हो गई, क्यूबिक यूनिट सेल। अब ये क्या है, ए वैक्टर, ये बी वैक्टर, और ये सी वैक्टर, बेसिस वैक्टर जिन्हें कहते हैं ए बी एन सी। अब आप भी जानते हो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, इस क्यूब का वॉल्यूम होगा ए इंटू बी इंटू सी। अब तीनों ही सेम है, क्योंकि क्यूबिक की तो कंडीशन क्या थी कि ए और बी और सी क्या है, इक्वल। तो वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा, ए बी सी, मतलब कि ए का क्यूब। क्लियर है, ए का क्यूब। तो ये आपका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया किसका, क्यूबिक यूनिट सेल का। सेकेंड बात करते हैं एटम्स पर यूनिट, पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। क्लियर? एटम्स पर यूनिट सेल मतलब कि एक यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ आपकी, फर्स्ट बात करेंगे सिंपल क्यूबिक की, और सिंपल क्यूबिक आप जानते हो ऐसे करके होती है, बड़ी प्यारी सी, आसान सी, ट्वेल्थ क्लास में बड़ी मस्त लगी थी। ऐसे करके क्यूबिक है, और हर एक कॉर्नर पर क्या है, आपका एक एटम छुपा हुआ है, छुपा हुआ नहीं है, बैठा हुआ है ऐसे करके। अब आपको ये पता लगाना है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स एक्चुअल में हैं। तो ये आपने पढ़ा होगा कि भाई हर एक जो कॉर्नर एटम है, जो कॉर्नर एटम है वो कंट्रीब्यूट करता है 1/8 पार्ट, है ना। ये आपने भाई पढ़ा होगा कि जो कॉर्नर वाला एटम है, अब ये जो कॉर्नर वाला एटम है उसे करके बड़ा सा एक बॉल मानो, तो ये जो बॉल ये 8 कमरों के अंदर आ रही होगी। भाई एक कोना ले लो कमरे का, एक कमरे का कोना ले लो, तो एक तो इसके बगल में आएगी, एक दो उनके पीछे, तो 4 कमरे नीचे हो गए। ये जो एटम है इन 4 कमरों के अंदर भी आ रहा है, और उनके 4 ऊपर डाल दो तो 8 कमरों के अंदर ही कंट्रीब्यूट हो रहा है। मतलब कि इस वाले यूनिट सेल के अंदर इसका सिर्फ और सिर्फ 1/8 हिस्सा आएगा। ऐसे ही इसका, ऐसे ही इसका, ऐसे ही हर एक का। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे इन SC, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे सिंपल क्यूबिक में, ऑब्वियसली बात है भाई 8 × 1/8 कितना आएगा, 1। क्लियर? कितना आएगा, 1। वही अगर हम बात करें सेकंड अगर हम बात करें BCC की, बॉडी सेंटर्ड, तो ये कैसे दिखती है, ये आप जानते हो भाई सब कैसे दिखती है, ऐसे करके। कॉर्नर पर एटम और एक बीचों बीच। क्लियर? अब सवाल यहाँ पर आता है कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे। भाई कॉर्नर के तो कितने हो गए, 1 हो गया,
अभी मैंने यहाँ पर नहीं निकाला, कॉर्नर के एक हो गए, और बीच में ये जो एटम है ये तो किसी और यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा, अकेला उसी यूनिट सेल के अंदर बैठा है। तो कितने नंबर ऑफ एटम्स हुए एक बीसीसी के अंदर? दो, एक बाहर वाला सबका मिला के और एक बीचों बीच, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी कितना है भाई साहब? दो है। वहीं अगर हम बात करें थर्ड आपका एफसीसी, एफसीसी कैसा दिखता है भाई साहब? ऐसा दिखता है, एक दो तीन चार ऐसे करके, और फिर हर एक सेंटर फेस के सेंटर पर होगा, एक आगे एक पीछे, ठीक है। मतलब कि एक एटम तो हो गया हर एक कॉर्नर का, मतलब पूरे कॉर्नर्स का अगर हम मिलाएंगे, अगर हम कॉर्नर्स का मिलाएंगे तो कॉर्नर्स का मिला के एक एटम बना। अब जो फेस का एटम होता है वो एक तो इस कमरे में होगा, जैसे ये वाला है, ध्यान सुनो मेरी बात को, जैसे मान लो ये बोर्ड है, अब यहाँ पर एक गेंद घुसेड़ दो बीच में, ऐसा करके गेंद मान लो, तो आधी गेंद तो इस कमरे में होगी, आधी गेंद उस पीछे वाले कमरे में होगी। मतलब कि एक एटम फेस वाला, फेस सेंटर का हाफ कंट्रीब्यूट करेगा, ध्यान सुनो मेरी बात को, मतलब कि जो फेस का एटम होगा वो हाफ कंट्रीब्यूट करेगा इन वन यूनिट सेल। अब कितने हैं ऐसे ही करके, आधा इधर आधा इधर आधा इधर आधा इधर, चार दीवारों में आधा आधा और फिर ऊपर और नीचे, तो कितने होंगे? छह। तो मतलब कि 6 × 1/2, तो क्या आंसर आया कितना? तीन। तीन मतलब कि तीन एटम्स कंट्रीब्यूट हो रहे होंगे फेस की वजह से, एक हो रहा होगा कॉर्नर की वजह से, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है इन एफसीसी? कितना है भाई? तीन प्लस एक चार, तीन प्लस एक चार, क्लियर है? ये आपने क्लास 12 में कर रखा है, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब इसका एक फॉर्मूला भी है, सीधा सीधा इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, जैसे वो लिखवाए इसको, अगर वीडियो को पॉज करके नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, नहीं करना बहुत बढ़िया, हम जानते थे पढ़े लिखे बच्चे हो, चले बच्चे तो नहीं है हम यार, तो बहुत बूढ़ा हो गया है। चले देखे देखे जरा, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है कि नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पेल सकते हो, क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है n इक्वल टू एन सी बाई एट प्लस एन एफ बाय टू प्लस एन बी। फॉर्मूला याद रखा जाए, एन सी बाई एट मतलब कि नंबर ऑफ एटम्स, एन सी क्या है? एन सी है नंबर ऑफ एटम्स एट सेंटर, एन एफ क्या है? नंबर ऑफ एटम्स एट फेस, और एन बी नंबर ऑफ एटम्स एट बॉडी, बॉडी सेंटर, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी, अगर मैं आपसे बोलूँ एस सी का निकालना है सिंपल क्यूबिक का, तो एन कितना आएगा? 8/8 प्लस जीरो प्लस जीरो, अबे फो इस पे तो है ही नहीं ना, और इस पे भी है ही नहीं, तो कितना आएगा? 8/1 मतलब कि एक। क्लियर क्लियर हुआ? एटम्स समझ में आया? एटम्स पर यूनिट सेल, डायरेक्ट फॉर्मूला पे लो यार, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे देख रहे होंगे इस वीडियो को, डायरेक्ट डालो n इक्वल टू एन सी बाई एट प्लस एन एफ बाई टू प्लस एन बी। क्लियर है? फंडा समझ में आया? तो दो चीज़ें निकल गई, वॉल्यूम, दूसरा एटॉमिक, सॉरी एटम्स पर यूनिट सेल। तीसरी चीज़ की है, तीसरी चीज़ है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये मस्त है, इसको हटा। तीसरी चीज़ है कोऑर्डिनेशन नंबर, थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर आपने क्लास 12 में पढ़ा है। ये बेसिकली क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि एक यूनिट सेल के अंदर एटम होगा। अरे वाह क्या बात कही, एक यूनिट सेल के अंदर एक एटम होगा। अब उस एटम के सराउंडिंग्स में, मतलब कि नियरेस्ट नेबर जो उसके होंगे,
जितने भी होंगे उस नंबर को आप कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हो। कुछ समझ में ना आया हो, कुछ समझ में ध्यान सुनना भाई। ऐसे के लिए नंबर ऑफ एटम या फिर नियरेस्ट नेबर एटम, क्लियर, ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर बेसिकली एक एटम आपने देख लिया और उस एटम का फिर आप ये देख रहे हो कि भैया इसके चारों तरफ इसके आसपास के पड़ोसी कितने दूर हैं, सॉरी कितने हैं, तो वो आपका नंबर क्या दिखाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअल में आपको क्या दिखाता है, फील सुनो ध्यान से, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको भाई साहब बताता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ पैकिंग ऑफ एटम्स, कि एटम्स कितना टाइटली पैक्ड हैं, कैसे पैक्ड है, मतलब टाइटली पैक्ड है या नहीं, तो ये आपको कौन बताता है, आप कोऑर्डिनेशन नंबर देख के बता सकते हो। जैसे सिंपल क्यूबिक का आपको याद हो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, बॉडी का होता है 8 और फेस सेंटर का होता है 12, ठीक है, ध्यान सुनना मेरी बात को। सिंपल क्यूबिक का होता है 6, ठीक। अगर मैं बात करूँ बॉडी सेंटर का क्यूबिक कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितना, 6, अबे क्या कर रही है बे 8, और भैया FCC का अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है क्यों, ये दिखा क्या रहा है, ये दिखा रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल के अंदर जो एटम्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते जा रहे हैं। जब आप SC से FCC जाते हो, जब आप सिंपल क्यूबिक से FCC जाते हो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स नहीं कह सकते, पैकिंग कह सकते हो, कि जो पैकिंग है एक यूनिट सेल थी तो वही क्यूबिक वाली, उसमें नंबर ऑफ एटम्स बढ़ गए, नंबर ऑफ एटम्स से उनको टाइटली पैक्ड हो रहे हैं, पैकिंग बहुत कम ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है। क्लियर है भाई, नियरेस्ट नेबर ध्यान सुनो ना, नियरेस्ट नेबर भाई मान लो दूर दूर बैठे हैं तो नियरेस्ट नेबर बहुत ही कम है, एक इधर रहा। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहे हैं तो वो पास पास आ रहे हैं, तो नियरेस्ट नेबर भी बढ़ रहा है। FCC में तो और पास और एटम आ गए तो और नियरेस्ट नेबर बढ़ रहे हैं, क्लियर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है। क्लियर है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको क्या बताता है, पैकिंग ऑफ एटम्स, वो समझा देता है कि अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा है इसका मतलब पैकिंग ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा 12 ही अब तक, इससे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है किसी का, सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही है, इससे ज़्यादा है ही नहीं किसी का, मतलब समझ सकते हो FCC टाइटली पैक्ड है, उससे ज़्यादा पैक्ड है ही नहीं कोई, ठीक है। अब ये आया कैसे 6, 8, 12, ये भी आपको पता होगा, चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, कोशिश करेगा, चलो एक फिगर बनानी पड़ेगी हमको, 2 मिनट दोगे, हाँ दे दो, थोड़ा वीडियो को तेज कर लो करना चाहो तो। ऐसे करके हैं, ध्यान सुनना, ये मैंने करा क्या है, कोई बड़ी बात नहीं करी, आराम सुनना इस चीज़ को। यहाँ पर 4 क्यूबिक्स हैं, इनके पीछे 4 क्यूबिक हैं और उनके ऊपर फिर ऐसे करके 4 क्यूबिक हैं, क्यूबिक क्यूब ऐसे करके 2 हो गए, 2 के पीछे हो गए, उनके ऊपर ऐसे करके 2 हो गए, 2 या 4, फिगर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब हर एक कॉर्नर पर क्या होगा,
लैटिस पॉइंट होगा, मतलब कि एटम होगा। लेट से इस क्यूबिक वाले का, मैं बात कर रहा हूँ इस वाले क्यूबिक की, इस वाले क्यूबिक की, दिख रहा है इस वाले क्यूबिक लैटिस की, एक लैटिस पॉइंट ये होगा, सही है। अब इसके पास कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, देखो एक तो ये इसके पास है ए दूरी पर, एक ये इसके पास है ए दूरी पर, एक ये भी इसके पास है ए दूरी पर, एक ये भी इसके पास है ए दूरी पर, और एक ये भी इसके पास है, ये भी ए है, ध्यान से सुनना, ये भी ए है और ये भी ए है, मतलब कि छह एटम इसके पास है, देखो 1 2 3 4 5 6। अब आप कहोगे ये एटम नहीं है, ये इसके पास कहाँ है भाई, नियरेस्ट नेबर की बात करी जा रही है, वो नेबर जो बहुत पास हो, तो सबसे पास तो यही है ना ए ए ए ए ए, ये तो बहुत दूर है, ये तो रूट टू ए में है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो कितने नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं, 1 2, ये नहीं है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6, क्लियर हुआ, समझ में आया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्यों है। वही अगर हम बात करें बीसीसी की, तो इसका तो थोड़ा आसान है, इसको ऐसा समझ, चलो एक सेकेंड, थोड़ा वीडियो को तेज कर सकते हो क्योंकि थोड़ा ड्रॉ करने में टाइम लग रहा है। YouTube में फंक्शन होता तो है, थोड़ा तेज कर लो, चलो कोई नहीं, सुनो, अब बस बस, ये एक आपका FCC है, अब इसका बेस सेंटर है। अब अगर मैं इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर देखता हूँ, इस वाले एटम का, याद रखना एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर है एक यूनिट सेल के अंदर, जैसे ये यूनिट सेल है, इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, वो अलग बात है हर एक का 6 ही होगा, तो इसलिए पूरी सिंपल क्यूबिक का हम कहते हैं, लेकिन बेसिकली हम एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, क्लियर है। अब जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, जैसे FCC है, अब इसमें कितने एटम है, एक तो कॉर्नर में हो गए और एक बेस सेंटर हो गया। अगर मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालूं तो नियरेस्ट नेबर कौन से हैं, एक ये हो गया, 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 मतलब कि 8 भाई। रूम मान लो, रूम में बीचों बीच एक एटम रखा है, एक तो वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, 4 ये हो गए, 4 नीचे से हो गए, तो यही तो शॉर्टेस्ट होगा, तो ये कितने हो गए 8, 4 ऊपर छत के, 4 नीचे सरफेस के, ठीक। लेकिन अगर मैं बेस सेंटर्ड का ये एटम ना देखूं, भाई मैंने इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर देखा, अगर मैं इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर देखूं तो क्या कहानी बदल जाएगी, तो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, नहीं मेरे भाई 6 नहीं होगा, 8 ही रहेगा, क्यों। अब इस फिगर को, इस वाले को यहां समझा देता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना है। यहां पर ये एक यूनिट सेल है और ये अब बीसीसी हो गया, मतलब कि हर एक इसके अंदर ही आ गया ये, ठीक है। अब इसे अगर हम बात करें, ना सुनना मेरी बात को, अगर मैं बात करूँ इसकी, तो 6 तो यही है, ध्यान सुनना भाई, ये आपके एटम हो गए। अब ये कितने हैं, 4 नीचे 4 ऊपर, 4 नीचे 4 ऊपर, ये कॉर्नर वाला है ना, तो कॉर्नर के नीचे 4 रूम और ऊपर 4 रूम, तो 8 रूम है, मतलब ये वाला जो एटम है ये 8 रूम के अंदर अरेंज कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। अब हर एक रूम के अंदर, मतलब 8 के 8 रूम के अंदर सेंटर पे क्या है, बीसीसी, सेंटर पे क्या है, बीसीसी, जो बेसिकली कितना होगा, ए बाय 2 दूर होगा, मतलब कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर आप किसका बनाओगे, ऐसे नहीं आया सर भाई, 8 रूम दिख रहे हैं, 4 नीचे 4 ऊपर, अब बीच में सेंटर वाले में आपने एक एटम बैठा दिया, हर एक 8 यूनिट सेल का आपने क्या काम करा, बीसीसी पे एक पोजिशन वेक्टर डाला, मतलब कि 8 बेस सेंटर से अब आपका क्या बनेगा, एक एटम दिखाया जा रहा है, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर 8। थोड़ा सा अटपटा लगा भाई, 4 रूम नीचे है, 4 रूम नीचे है, चारों रूम में एक बीचों बीच क्या होगा, एक एटम होगा, आपने कॉर्नर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर वही है बीच वाला, क्योंकि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी अब छोटी है, पहले ए था अब ये है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो गई, तो 4 नीचे वाले कमरों के बॉडी सेंटर, 4 ऊपर वाले कमरों के बॉडी सेंटर, 4 और 4 8, कोऑर्डिनेशन हमेशा 8 आएगा, समझ में आया कि नहीं आया भैया, फील आया कि नहीं आया। वही अगर हम बात करें फेस सेंटर की, तो इसका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है कुछ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, अब इसको भी समझने की कोशिश करना,
एक सेकेंड, ऐसे करके ये हो गई। अब इसमें देखो क्या है, इसमें बेसिकली क्या होगा, अगर मैं किसी एक एटम को पकड़ूं तो ध्यान सुनना, एक तो फेस सेंटर हो गया यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और आठ कॉर्नर हो गए। फेस सेंटर वाला देखना, ध्यान सुनो 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 सुनो, इसको ऐसे इमेजिन करो जैसे कि मान लो एक रूम है, तो एक कॉर्नर वाले का हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर देख रहे हैं। तो एक कॉर्नर वाला जो होगा वो इस वाले वॉल पर भी बनाएगा एक एक एटम जो उसके पास में होगा। भाई ये है, ये आपका वाइट बोर्ड है, ये एक एटम है फेस सेंटर पर, और उस कॉर्नर से एक ये बन गया, ऐसे ही एक सामने वाली दीवार पर, तो एक एटम पे कितना आ रहा है, तीन। मतलब कि एक एटम एक यूनिट सेल में कितने के पास होगा, तीन के पास होगा। ऐसे ही कितने रूम है, चार रूम है, मतलब कि 4 × 3/2, एक सेकेंड सॉरी, आठ रूम है ना, तो ये आया आपका 4 × 4 = 12। नहीं आया सर, में इसको ऐसे समझो ना मेरे भाई, जैसे मान लो ये है, इसको यहाँ पर भी समझ सकते हो, देखो यहाँ सुनना, जैसे कि इसमें आप ऐसे समझो कि एक ये आपका है सेंटर में, और एक फेस तो ये बन गया, इस वाला फेस, एक फेस ये बन गया और एक फेस ये बन गया, इसको हटा दो, एक फेस ये बन गया, एक फेस ये बन गया। मतलब कि एक यूनिट सेल में जो एक कॉर्नर वाले एटम के बाद कितने एटम होंगे, एक, दो, तीन, तीन फेस सेंटर होंगे पास में, 3 × 8/2 या फिर 3/2, तो कितना आएगा, 12। क्लियर है, कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आया कि 12 कैसा आया, क्लियर हुआ। तो ये भाई साहब थोड़ा एक फील था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 8, 12 कैसे आया, कोई डाउट हो तो बताओ। तो ये था कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हम बात करते हैं क्या, एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस कैसे निकालेंगे, तो उसको नोट करो पहले, समझ में आते हैं। सो अब हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। तो एटॉमिक रेडियस नाम से समझ में आ रहा है कि एटम की रेडियस, ठीक है, एटम है और उसकी रेडियस कितनी होगी, तो उसको हम डिनोट कर रहे हैं आर से। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो हम छोटी सी चीज़ अज्यूम कर रहे हैं कि एटम्स स्फेरिकल इन शेप है, वो तो आप जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। दूसरा ये कि वो दोनों जितने भी एटम्स हैं एक लैटिस के अंदर, वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ मैंने सिंपल क्यूबिक लैटिस की, और सिंपल क्यूबिक लैटिस में हर एक कॉर्नर पर क्या है, एटम है, तो वो ऐसे बड़े बड़े एटम है, मतलब एक दूसरे को टच कर रहे हैं अच्छी तरीके से। जैसे कि ये दो एटम हो गए, एक कॉर्नर पे ये है, एक कॉर्नर पे ये है, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। इस एटम की रेडियस कितनी हो गई, आर। इस एटम की रेडियस कितनी हो गई, आर। दोनों कितने किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ध्यान सुनो ना, ये ए क्या है, ए बेसिकली है लैटिस पैरामीटर। ए क्या है, लैटिस पैरामीटर, लैटिस पैरामीटर। अगर मैं बात करूं सिंपल क्यूबिक के लिए, आर और ए के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो साफ दिख रहा है भाई, 2r = a, तो आर किसके इक्वल आएगा, ए बाय, आर किसके इक्वल आएगा, ए बाय टू। ठीक है, क्लियर हुआ। वहीं अगर हम बात करें दूसरे के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल बीसीसी के लिए या एफसीसी के लिए, जो भी आप कहें, जैसे बीसीसी के लिए बात कर लेते हैं पहले। बीसीसी कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके से दिखता है, बड़ा भयंकर सा। ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है, ये ए है, ये है, ये भी ए है। अब ध्यान सुनना, एक तो एटम इसके इस कॉर्नर पे होगा, एक होगा बिल्कुल बीचों बीच जो बॉडी सेंटर है, और एक होगा इस कोने में ऐसे करके। फिगर समझ में आ रही है कि नहीं, ये डायगोनल ही है, एक तो उस कोने में, एक बीचों बीच, ये तीनों टच कर रहे हैं एक दूसरे। देखो एक तो ये होगा बड़ा सा इस कोने में, ठीक है, एक बीचों बीच जो उसको टच कर रहा है, एक उस वाले कोने में ऐसे करके, एक इस वाले आर, एक बीच में आर, एक वहां से ऐसे करके यूं निकलता हुआ आर। क्लियर हुआ। तो ये कितना हो गया आर, ये कितना हो गया 2r, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका यहाँ पर है सेंटर इसका, थोड़ी सी अजीब बनी है फिगर, ये इसका सेंटर ये है, ठीक है, तो ये हो गया आपका आर। क्लियर है, आर से जो है आर, 2r, आर। अब ये वाली कितनी होगी रेडियस, ध्यान सुनो सुनो सुनो, अरे 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 अरे,
आराम से ये वाली, अगर ये ए है और ये भी ए है और ये एंगल 90 डिग्री है तो ये कितनी होगी, रूट टू ए। भाई ये चीज निकालनी है हमें, ये चीज, वो ए है, ये वाला कितना होगा, ये रूट टू ए नहीं हो जाएगा क्योंकि ये भी ए है ये भी है, तो ये कितना हुआ रूट टू ए। भाई ये ए ये ए, तो ये वाला कितना हुआ हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम से रूट टू ए। तो कोने पे देखो यार, फील करो, रूम पे बैठे हो, देखो ध्यान से, एक कोना पकड़ो दूसरे कोने पे फेंक के मारो, तो ये कितना हुआ रूट टू ए। सरफेस पे देखना रूट टू ए, उसके ऊपर ए, ये वाला देखो रूट टू ए, ए ये वाला, एक ये वाला और एक ये पूरा बन गया ऐसे करके, ऐसे करके, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बन गया। देखो ए रूट टू ए और फिर उसके बाद ये फोर आर, फोर आर मतलब आर प्लस टू आर प्लस आर, फोर आर। तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकता मैं, फील आया कि नहीं आया, मतलब क्या मैं ये नहीं लिख सकता फोर आर स्क्वायर इक्वल होगा रूट टू ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फोर आर स्क्वायर रूट टू ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये कितना है सिक्सटीन आर स्क्वायर, ये कितना है टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है या नहीं है, कोई डाउट हो तो बताओ। अब यह आया आपका 16 आर स्क्वायर, यह आ गया आपका 3 ए स्क्वायर, तो यहाँ से हमें निकालनी है आर स्क्वायर की वैल्यू, तो कितनी आएगी 3 ए स्क्वायर बाय 16, तो आर की वैल्यू आई आपकी रूट 3 ए बाय 4, रूट 3 ए बाय 4। तो ये आया आपका एटॉमिक रेडियस किसके लिए, बीसीसी के लिए। क्लियर है, नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें एफसीसी की, तो एफसीसी की भी देखें भाई कैसे निकलेगी। अब एफसीसी में क्या होता है, एक वॉल है, ध्यान सुनना, एफसीसी ये होती है, अगर मैं बात करूं इस वॉल की, ये वॉल दिख रही है, तो इस वॉल में एक एटम तो यहां होगा, एक एटम यहां होगा और एक एटम यहां होगा, मतलब कि ये R, ये 2R, ये R, उसके बाद ये वाला A है और ये वाला A, सॉरी एक सेकेंड, इसको ऐसे ना करके इसको A ले लो, इसको A ले लो, कहीं से भी ले लो, ठीक है, इन दोनों को हटा लो। भाई जैसे मान लो ये वॉल है, ठीक है, ध्यान से अरे ध्यान से, एक बीच में एटम हो गया 2R, एक बीच में एटम हो गया 2R, एक यहाँ से आ रहा है R, 2R, R, R, 2R, R, तो ये कितना आया 4R, R, 2R, 3R, R, ठीक है, ये A हो गई, ये A हो गई, ये A हो गई, ये A हो गई, ये 2R हो गई, 4R हो गई, सॉरी। रूम पे भी देख लो यार, एक वॉल पकड़ लो, एक वॉल पकड़ लो, वहाँ से एक एटम, बीच में एक एटम, यहाँ पर एक एटम, R, 2R, R, A, A, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है भाई साहब। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 4R का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, तो कितना है 16 ए स्क्वायर स्क्वायर, तो R कितना आया रूट टू ए बाय 4, क्लियर है। तो फॉर्मेट याद रखिएगा, बीसीसी के लिए क्या था रूट 3 ए बाय 4, एफसीसी के लिए आया रूट टू ए बाय 4, सिंबल क्यूबिक के लिए आया ए बाय 2, क्लियर है। अब हम बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, ये बहुत मस्त है, इसको हटा, नेक्स्ट देखें लास्ट पैकिंग फ्रैक्शन। डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। अब पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली क्या है, कैसे डिफाइन करा गया है, ध्यान सुनो भाई साहब, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल।
ये आपकी पैकिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन है। इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मतलब पैकिंग फ्रैक्शन आपको बताता क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन आपको ये बताता है कि एक एटम कितना परसेंट पैक्ड है, उसमें कितना परसेंट वो फिल्ड है, वो आपको कौन बताता है? पैकिंग फ्रैक्शन। यहाँ पर परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन भी होती है, इसे 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं एक एक का। जैसे सबसे पहले निकालते हैं सिंपल क्यूबिक का, ठीक है। अब सिंपल क्यूबिक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा एक एटम या फिर जितने भी उसके अंदर एटम्स हैं वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। तो एक बार बताओ नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं उसमें? सिर्फ एक, क्योंकि पूरा कॉर्नर का 8 × 1/8 तो 8 ही होता है, तो एक एटम होगा। अब इस एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा बताओ जरा? 4/3 πr³। 4/3 πr³ स्फीयर लिया है, उसकी रेडियस। अब रेडियस के प्लेस में क्या डाल सकता हूँ? रेडियस के प्लेस में a/2³ डाल सकता हूँ। अभी फॉर्मूला निकलवाया तो था, तो कितना आया भाई साहब? 4/3 πa³/2³ कितना आया? 8। तो ये कितना आया? πa³/2 ये हो गया 2 से कैंसिल, आया 6। वही अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा? a³। क्यूबिक यूनिट सेल है भाई, a³। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया? πa³/6/a³। तो a³ से a³ कैंसिल, कितना आया? π/6। अगर परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन देखें तो कितना आएगा? इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो सॉल्व करोगे आएगा 52%। क्लियर? कितना आएगा? 52%। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो आपका सिंपल क्यूबिक है वो 52% क्या है? फिल्ड है, और बाकी जो परसेंट है वो एम्प्टी है। क्लियर है? मतलब कि समझ में आया कि नहीं आया? अब इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो पोलोनियम, पोलोनियम एक इकलौता एलिमेंट है जो कुछ टेम्परेचर पर ये वाला स्ट्रक्चर दिखाता है, ये वाला मतलब सिंपल क्यूबिक। बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो FCCA मिलेंगे, BCC मिलेंगे, SC नहीं मिलता। फंडा क्लियर है? वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट BCC की, BCC की, तो BCC की अगर आप वॉल्यूम नंबर ऑफ एटम देखें तो कितना होता है? कितना होता है? 2। वहीं अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम, तो 4, अच्छा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स कितना होगा? 2 × 4/3 πr³। सही है गलत है भाई? अरे एक एटम का वॉल्यूम इतना है तो 2 है ना उसमें, तो कितना होगा? 2 × 4 πr³। क्या सॉल्व कर लो इसको, 2 × 4/3 πr³ के बेस में मैं डाल सकता हूँ √3a/4³। अभी निकाला था फॉर्मूला, तो इसको सॉल्व करो। ये कितना आया भाई साहब? ये आया आपका 3a³, सॉरी, ये आया 3√3a³ ये कितना है? 4। सो 4 16 × 4, सो 4 से 4 कैंसिल, 2 से ये 8 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, कितना आया? √3a³/8। अगेन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a³ भी रहेगा, तो पैकिंग फ्रैक्शन किसके इक्वल आया? √3a³/8/a³। तो ये कितना आया? √3π/8। √3π/8। अगर इसका परसेंटेज फ्रैक्शन निकालने बैठ गए तो कितना आएगा? करीब करीब 65 to 68% अप्रॉक्स, ठीक है, 65 to 68%। क्लियर है? अब इसके एग्जांपल आप कहोगे तो कौन कौन से एटम हो सकते हैं, एलिमेंट हो सकते हैं? आपका आयरन हो गया, आपका कॉपर हो गया, आपका भाई साहब सीजियम क्लोराइड हो गया, ये सब इसी को शो करते हैं, BCC को, ठीक है। क्लियर है या नहीं है? कोई डाउट हो तो बताओ भाई साहब, नोट करें जल्दी से। नेक्स्ट बात करते हैं FCC, हटाए ये समझ में आ रहा है ना कि जो BCC है वो ज्यादा फील्ड है एज कंपेयर टू SC। क्लियर? SC मीन सिंपल क्यूबिक। नेक्स्ट देखो थर्ड FCC। अब FCC की अगर हम बात करें तो अगेन कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? एक, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? 4। 4 होते हैं। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 4 × 4/3
पाई आर क्यूब सॉल्व करा जाए भाई 4 × 4/3 पाई ए के आर के प्लेस में क्या डाल सकते हैं √2a/4³ √2a³/16/4 तो ये कैंसिल 4 ये कैंसिल 2 तो कितना आया ये आया आपका √2a³/6 ठीक है। तो भाई पैकिंग फ्रैक्शन किसके इक्वल आएगा √2a³/6/a³/6 अगर आप परसेंटेज फ्रैक्शन पैकिंग फ्रैक्शन निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 63 point something। इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं जैसे गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर है एंड सो ऑन। क्लियर है, समझ में आया। तो ये हमने आप बात करी इस वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम, एटम्स पर यूनिट सेल, कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग फ्रैक्शन और एटॉमिक रेडियस। क्लियर, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।